बोकारो आईजी पहुंचे बागमारा। कोयलांचल प्रक्षेत्र आईजी असीम विक्रांत मिंच का आज बागमारा आगमन हुआ। बागमारा एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर कई मामलों में समीक्षा किए। मौके पर धनबाद एसएसपी संजीव कुमार, ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन मौजूद रहे। उपस्थित अधिकारियों के साथ लंबे चले समीक्षात्मक कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए आईजी महोदय ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण की कड़ी में आज बागमारा एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई अभिलेखों के संधारण कांडों की समीक्षा पर चर्चा की गई। साथ ही कई सारे प्रक्रिया को लेकर कई निर्देश भी दिए गए। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए धनबाद जिले में गैंग्स के बढ़ते वारदात से जुड़े सवाल पर आईजी ने कहा कि इन मामलों में धनबाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कई अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं। अगर ऐसे कोई गिरोह फिर सक्रिय हो रहे हैं तो प्रशासन इस पर तत्परता से कार्य कर नकेल कसेगी। एक इंस्पेक्शन के लिए आज यहाँ पर बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में आया हुआ था। बेसिकली जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है उसमें हम लोग जो यहाँ पर बहुत सारे अभिलेख होते हैं उनके संधारण को लेकर के कांडों की समीक्षा और जो बहुत दूसरे अन्य जितनी भी पुलिसिंग के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर के विभिन्न निर्देश दिए जाने के लिए ये प्रक्रिया होती है। तो आज बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का इंस्पेक्शन था मेरे द्वारा, जिसमें साथ में यहाँ पर एसपी और ग्रामीण एसपी भी साथ में उपस्थित थे। लेकिन मुख्यतः आज जो यहाँ पर आने का जो मेरा प्रयोजन था वो तो इंस्पेक्शन था, लेकिन उससे इतर जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस पर लगातार काम हुआ है। यहाँ पर जो भी गैंग्स की आप बात कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक से संबंध में, वरीय पुलिस अधीक्षक से संबंध में मेरा विमर्श हुआ है और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसको और भी बेहतर तरीके से सुनियोजित करते हुए उस पर कार्रवाई की जानी है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, आगे भी लोग उसमें टीम बना करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लगातार कार्य हो रहे हैं। धनबाद में ऐसा हमेशा ही रहा है, इस तरीके से कुछ ना कुछ गिरोह आपस में संगठित होकर के एक्सटॉर्शन मांगना या फिर पैसे का डिमांड करना या फिर डराने धमकाने का काम, लेकिन ये भी रहा है कि लगातार पुलिस के द्वारा काम भी किया जाता रहा है, अरेस्टिंग भी होती रही है और अगर इस तरह के कोई नए ग्रुप आते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी उसी तरीके से।